सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अजीज सुशील और हम बात कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, देने के नियम का अभ्यास बहुत ही आसान है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश रखें। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी देखभाल करे और आपकी सराहना करे, आपको अप्रिशिएट करे, तो आप भी दूसरों की देखभाल और सराहना करना सीखें, उनको अप्रिशिएट करना सीखें। अगर आप भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों की भी भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करने में सहायता करें। आसान तरीका तो यही है कि जो आप खुद हासिल करना चाहते हैं उसे दूसरों को हासिल कराने में उनकी मदद करें, उनका सहायक बने। ये सिद्धांत व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होता है। दोस्तों, अगर आप जीवन में सभी सुख साधनों से संपन्न होना चाहते हैं तो दूसरे लोगों को संपन्न होने में उनकी सहायता करें। हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स अचीव अफ्लुएंस, हेल्प अदर्स अचीव अबंडेंस, तो आपकी जिंदगी में भी अबंडेंस, प्रचुरता आ ही जाएगी। दोस्तों, आपको ये विचार कैसे लगते हैं? आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम आपको मंजिल समझते हैं। बड़ा फर्क है आपके और हमारे नजरिए में। आप हमें सपना और हम आपको अपना समझते हैं। बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, शुभकामनाओं और केवल प्रार्थना में ही वो शक्ति है जो दूसरों को प्रभावित करती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हमारा शरीर अपने मूल रूप में विश्वव्यापी ऊर्जा और ज्ञान का ही सूक्ष्म रूप है। चेतन ब्रह्मांड में हम सूक्ष्म चेतना के पुलिंदे हैं। चेतना में ऊर्जा, एनर्जी और ज्ञान से अधिक अर्थ निहित है। इसमें वो ऊर्जा और ज्ञान है जो हमारे विचारों में जीवंत है, जिंदा है। इसलिए इस ब्रह्मांड में हम विचारों के पुलिंदे हैं और विचारों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की शक्ति है। चांद के लिए सितारे अनेक हैं, लेकिन सितारों के लिए चांद एक है। आपके लिए तो हजारों होंगे, लेकिन हमारे लिए आप ही एक हैं। क्या दोस्तों, मैं हूं आपका अजीज सुशील और आप सुन रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, जब जिसे आप पाने के लिए खोज रहे होते हैं उसे देना सीख लेते हैं तो इस क्रिया से आपके जीवन में स्फूर्ति और गति पैदा हो जाती है। देने के नियम का पालन करना और उसे जीवन में उतारने का सही तरीका तो यही है कि आप ये फैसला कर लें कि जब भी किसी के कॉन्टेक्ट में आए तो उसे कुछ ना कुछ जरूर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप उसे केवल भौतिक वस्तुएं प्रदान करें। ये फूल, प्रशंसा या शुभकामना कुछ भी हो सकती है। हकीकत तो ये है कि भौतिक वस्तुएं अधिक महत्व नहीं रखती। दोस्तों, दूसरों की देखभाल, उन पे ध्यान देना, प्यार करना और प्रशंसा करना ऐसे कीमती तोहफे हैं जो आप बिना कुछ किए किसी को भी दे सकते हैं। जब आप किसी से मिलें तो उन्हें आशीर्वाद, शुभकामनाएं, खुशी, प्रसन्नता और हंसी का तोहफा दे सकते हैं। बिना बताए दी गई शुभकामनाएं ज्यादा असरदार होती हैं। दोस्तों, काश दिल की आवाज में इतना असर हो जाए कि हम आपको याद करें और आपको खबर हो जाए। आज रब से यही दुआ है मेरी कि जिसे आप चाहें वो आपका हम सफर हो जाए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील और हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, कभी भी किसी के घर खाली हाथ मत जाएं। कभी किसी से मिलें तो बिना तोहफे के मत मिलें। अब आप कह सकते हैं कि मैं दूसरों को भला क्या दे सकता हूं जब मेरे पास ही काफी कुछ नहीं है। आप एक फूल ले जा सकते हैं, केवल एक फूल। आप एक कार्ड भी दे सकते हैं जिसमें उस व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसके प्रति कुछ भावनाएं प्रकट की गई हो। आप उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। आप उसके लिए ईश्वर से, रब से, खुदा से, गॉड से, झूलेलाल से प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी भलाई के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी समृद्धि के लिए। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब आखिर।